गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग नदी घाट की सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता का पार्ट वन जो पढ़ चुके थे उसके आगे से पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पिछला याद है, पिछली बार हमने क्या बताया था आपको कि सन 1921 में इस सभ्यता के बारे में पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर पता चला था, इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहते हैं, हड़प्पा की सभ्यता। और ये जो है सभ्यता कैसी थी, नगर मतलब ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, यहाँ पर नगरों का जो है उन लोगों ने विकास किया था। और उनके नगरों की विशेषता क्या थी कि यहाँ पर जो लंबी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी, सड़क के दोनों तरफ बहुत सारी जो है दोनों साइड में पक्की नाली होती थी, घरों की नालियाँ बड़े बड़े नालों से जुड़ी रहती थी। और इन सब से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग या हड़प्पा कालीन सभ्यता वाले लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति बहुत ही जागरूक थे, बहुत ही अवेयर थे। अब बच्चों इसके आगे से हम आज पढ़ेंगे भवन निर्माण। भवन निर्माण मतलब भवन मीन्स घर, निर्माण माने बनाना, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग काफ़ी कुशल थे और वे अपने भवनों का बड़ी अच्छी तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से निर्माण करते थे। जब जगह जगह पर खुदाई की गई तो बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं। ये इमारतें जो थी उनकी विशेषता क्या थी कि आयताकार थी, आयताकार मीन्स जिनकी दो आमने सामने की भुजा बराबर हो, लेकिन दो भुजा लंबी होती है और दो भुजा थोड़ी छोटी होती है। वर्गाकार में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये वर्गाकार नहीं थे इनके मकान, इनके मकान क्या होते थे, आयताकार। इनके मकान एक मंजिले भी होते थे और दो मंजिला भी होता था, छोटा भी होता था और बड़ा भी होता था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चला है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। घर के बीचों बीच में एक आंगन होता था, बच्चों आंगन समझते हो ना, घर के बीचों बीच में खुला हुआ जो एरिया होता है वो आंगन कहलाता है। उसके चारों तरफ बरांडा होता है, बरांडा में कमरे बने होते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत से घरों में आंगन मिलता ही नहीं, जो लोग फ्लैट वगैरह में रहते हैं उनके घर में तो आंगन ही नहीं होता है। लेकिन जो अपने घर में रहते हैं, जो फ्लैट में नहीं रहते, जिनका जो अपना मकान होता है, जिसके मकान के ऊपर या नीचे कोई दूसरे लोग नहीं रहते हैं, तो उन घरों में क्या होता है, बीच में आंगन होता है ना, तो उसी तरीके से उस समय के लोगों के घरों में आंगन हुआ करता था। और घर में रसोई घर, शौचालय एवं स्नान घर का भी बहुत अच्छे से प्रबंध होता था, यानी हर घर में एक रसोई घर होता है। रसोई घर बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ खाना बनता है, इसी तरह ये टॉयलेट भी होता था, वहाँ शौचालय भी होता था और नहाने के लिए बाथरूम भी होता था। दो मंजिला मकान में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, मीन्स यदि एक मंजिला है तो सीढ़ी की जरूरत नहीं है, लेकिन दो मंजिला मकान में वे लोग सीढ़ी भी बनाते थे ताकि हर उम्र के लोग आसानी से ऊपर चढ़ सकें, उन्हें किसी लकड़ी का सहारा, किसी और चीज़ की लकड़ी की सीढ़ी लगा के नहीं जाना पड़ता था, वो पक्की सीढ़ियाँ भी बनाते थे। चित्र में इस इमारत की दीवारें देखिए कितनी ऊंची दीवारें हैं, दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई है, इससे पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियाँ रही होंगी। बच्चों आपने किताब ले ली है ना, तो किताब में आप ये चित्र देखिए, पेज नंबर 24 पर सबसे ऊपर दाहिने हाथ की तरफ चित्र बनाया है बहुत सुंदर सा, और उसमें देखिए कि बीचों बीच में एक आंगन है, फिर दूसरी मंजिल भी उसमें बनी है, सीढ़ी भी बनी हुई है। तो कह रहे हैं कि उस समय की जो इमारत थी वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। पक्की ईंट से मतलब है कच्चे मकान नहीं होते थे बल्कि पक्के मकान होते थे, तो इससे एक होता है पता चलता है कि ईंट पकाने की भट्टियाँ भी रही होंगी, क्योंकि जब ईंट को पकाया जाता है, कच्ची मिट्टी की ईंट को आग में तपाया जाता है तभी वो पक्की होती हैं।
हड़प्पा सभ्यता के नगरों में खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं। गोदाम क्या होता है बेटा? जहाँ पर आप कोई चीज़ को बहुत सारी मात्रा में स्टोर करते हैं। जैसे घरों में एक स्टोर रूम होता है ना, जहाँ पर आपकी मम्मी या आपके जो घर में जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, स्टोर रूम में घर का काफ़ी जो सामान है वो रख देते हैं। उसी तरह बड़े बड़े गोडाउन हुआ करते थे, गोदाम हुआ करते थे। आसपास के गांव से अनाज इकट्ठा करके इन गोदामों में रखा जाता था। जब फसल पक जाती थी, अनाज काट लिया जाता था, तो उसे खुले में नहीं रखा जाता था। खुले में रखने में क्या होगा, वो सड़ जाएगा, उसे कोई पशु पक्षी जो है ख़राब कर देगा, इसलिए उसको गोडाउन में रखा जाता था, गोदाम में रखा जाता था। और केवल अपने ही गांव के नहीं, आसपास के कई गाँव के लोग आकर अपना अनाज उन गोदाम में रखा कर, जैसे आजकल कोल्ड स्टोरेज होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा ना कोल्ड स्टोरेज, उस समय भी ऐसी व्यवस्था थी जहाँ पर बड़े बड़े गोदाम में लोग अपना सामान रखते थे। घरों और गोदामों के अलावा मोहन जोदड़ में एक बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला है। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। कह रहे हैं जब खुदाई हुई तो उसमें इमारतें मिली, उसमें गोडाउन भी मिले, और साथ ही साथ क्या मिला है, पक्का स्नानागार। स्नानागार मीन्स बाथरूम, बहुत बड़ा एक बाथरूम स्नानागार मिला है। इस स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे, मीन्स जहाँ पर जाकर औरतें कपड़े चेंज करती होंगी, बदलती होंगी, तो चारों तरफ उसके कमरे बने हुए थे। अब आता है दूसरा पॉइंट, रहन सहन। ये तो हो गया भवन निर्माण, कि भवन कैसा था, कैसे उस समय के लोग अपना घर बनाते थे। फिर आया रहन सहन, वो रहते कैसे थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। तो उन लोगों का मुख्य भोजन क्या था, चावल, गेहूं और जौ। उस समय के लोगों का भोजन क्या था, गेहूं, चावल और जौ। ये लोग सूती और ऊनी दोनों तरह के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल की खेती करते थे। और इनके पालतू पशु कौन थे, ऊंचे कंधे वाले बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सुअर, हाथी, ऊंट आदि इनके पालतू पशु थे। और ये आभूषण कौन कौन सा पहनते थे, हार, कंगन, पाजेब, बाली, अंगूठी इनके प्रिय आभूषण थे। मनका बनाने का कारखाना चहुंद्रणों से प्राप्त हुआ था। चहुंद्रणों से इनको क्या मिला था, मनका। मनका मीन्स मोती। मोती बनाने का एक कारखाना भी खुदाई में मिला है। यानी ये लोग पहले मोती बनाते थे, फिर उन मोती से अलग अलग तरह के आभूषण बनाते थे। अब इनके देवी देवता कौन थे, यानी ये किसकी पूजा करते थे। तो कह रहे हैं ये मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंसे के सींग का चित्र है। कह रहे हैं बच्चों अपनी बुक में 24वें पृष्ठ पे देखिए चित्र बना हुआ है। तो कह रहे हैं इसमें क्या है, पत्थर के चौकोर पट्टे पर आकृति के सिर पर भैंसे के सींग का चित्र है। भैंसे की सींग का चित्र है। इसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं और इसके चारों तरफ कई जानवर बने हुए हैं। ये कुछ देवता होंगे, संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। मीन्स ये लोग पशुओं के देवता की पूजा करते थे। इसके अलावा कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियां और सांप की आकृतियां जैसी भी बनी मिली हैं। मोहर किसको कहते हैं बच्चों, जैसे हम लोग आजकल सिक्का यूज़ करते हैं उसी तरह उसमें जो सिक्के थे उनको मोहर कहते हैं, या सील जिसको कहते हैं, सील किसी चीज़ में सील लगाते हैं ना, वो मोहर होगी। शायद वे इन सब की पूजा करते थे। यानी मोहरों पे जो पीपल की पत्तियों के चित्र मिले, सांप की आकृतियाँ मिली है, उनसे ये पता चलता है कि शायद ये लोग पीपल की और सांप की पूजा करते थे।
इन बातों का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पक्की तरह से नहीं कह सकते, ये हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम इसके विषय में निश्चित रूप से नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई लिखा हुआ हमें दस्तावेज़ नहीं मिला है। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की चार विशेषताएं थी। अब इनके जो धर्म की चार प्रमुख विशेषताएं क्या थी? मातृशक्ति की उपासना। मातृशक्ति की उपासना मतलब ये देवी की पूजा किया करते थे, शिव की पूजा, फिर ये शिव की पूजा करते थे, यानी शक्ति की पूजा करते थे और शिव की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे और पशु की पूजा करते थे। इन सब चीज़ों के मानने के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये आप सोचें और बताएं। मीन्स कह रहे ये सारे जो हमें अवशेष प्राप्त हैं उनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या खाते थे, कैसे घर में रहते थे और किनकी पूजा करते थे। हम इनके विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह पाते, लेकिन इनके भवन निर्माण की कला, इनके नगर बसाने की कला के विषय में तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं, ये बहुत ही सुनियोजित ढंग से इमारतों का निर्माण करते थे और साथ ही इन्होंने बहुत अच्छे से सड़क, नाली, इन सब चीज़ों का निर्माण किया। अच्छा बच्चों, अब आज के क्लास में बस इतना ही, इसके आगे का हम अगले क्लास पढ़ेंगे। थैंक यू।